हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान सर की आने वाली फिल्म अंतिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े कंट्री में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों, इसका रिव्यू आ गया है। और दोस्तों, दर्शकों को ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन लगी है। और दोस्तों, जिस किसी ने ये फिल्म देखी है उन्होंने तारीफ भी की है। और दोस्तों, ऐसा कह रहे हैं कि अब तक की सबसे अच्छी एक्टिंग सलमान खान ने अपने करियर में की है अंतिम फिल्म के अंदर। और दोस्तों, आयुष शर्मा बहुत ही सरप्राइज रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आयुष शर्मा इस फिल्म के अंदर एक के बाद एक जबरदस्त पंच लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों, एक नया सुपरस्टार मिल गया है बॉलीवुड को। अब दोस्तों, स्क्रीन काउंट के बारे में बात करें तो ये फिल्म को इंडिया में लगभग 2700 स्क्रीन में रिलीज किया है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को ओवरसीज में 1100 से 1200 स्क्रीन काउंट मिली है। और दोस्तों, फिल्म का जो बजट सामने आ रहा है वो है 35 करोड़। और दोस्तों, जिस तरह से इस फिल्म का बस बना हुआ है उस हिसाब से दोस्तों, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो हो रही है उस हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 8 करोड़ की ओपनिंग लेगी दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत ही लेट स्टार्ट की है। और दोस्तों, ये फिल्म का जो रिव्यू आएगा उसके बाद दोस्तों, ये फिल्म जबरदस्त ग्रो पकड़ने वाली है। ये फिल्म लंबी रेस तक चलेगी, यानी कि दोस्तों, ये फिल्म 15-20 दिन तक थिएटर पर रहेगी और दोस्तों, आगे भी रहेगी। यानी कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करेगी। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में क्लैश होने के साथ 100 करोड़ कोई फिल्म कमाती है तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होती है। तो दोस्तों, आप बेफिक्र रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और दोस्तों, कल इसकी रिव्यू आएगा ऑफिशियली, साथ ही साथ दोस्तों, डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।